नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो तबे मजा माने कशे आत तुम्ही मजेत ना। मैं वैशाली उलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए 3.6 फाइव लिटिल सीड्स। जो इसका एक्सप्लेनेशन है इस पोएट्री का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कर दिया है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप लोग किस तरह से समझोगे कि क्या सवाल पूछा है और कैसे आप लोग जवाब लिखोगे। तो उसके पहले एक बार हम लोग ये पोएट्री बोलकर देखते हैं। लिसन एंड रिसाइट द पोएम विथ एक्शंस। फाइव लिटिल सीड्स थ्री विल मेक फ्लावर्स एंड टू विल मेक वीड्स अंडर द लीव्स अंडर द स्नो। Five little seeds are waiting to grow. Out comes the sun, down comes a shower, and up come the three pretty pink flowers. Out comes the sun that every plant needs, and up come two funny old weeds. तो इस तरह से जो पोएट्री का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही डिटेल में दिया है, ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग भी आप लोग को दिया है और ये भी हो गया है हम लोगों का एक्सप्लेन करके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई ये क्या है, आप लोगों को क्या करने के लिए कहाँ है और ये आप लोगों को मोस्टली आएगा एग्जाम में। तो आप लोग इसके क्वेश्चन ये जो स्पेलिंग्स है ना बच्चों, ये आप याद करके रखना तो आप लोगों की गलतियाँ नहीं होगी। ए लुक एट द पिक्चर बिलो नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी यहाँ पर एक प्लांट का पिक्चर आप लोगों को दिया है और इसके जो पार्ट्स है उसके नाम आप लोगों को लिखने के लिए कहाँ है। तो साइंस में अभी आप लोग को आगे आएगा, तो ये जो प्लांट्स है उसके नाम क्या क्या है ये आप लोगों को आपके पेरेंट्स की मदद से आप लोग लिख सकते हैं और मैं भी आप लोगों को बता ही रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ओके तो आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी नाम दिए हुए है, तो ये आप लोगों को सही ये जो बॉक्स है ना सही बॉक्स में आप लोगों को ये नाम लिखना है। ओके तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग किस तरह से ये लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है बर्ड, बर्ड यानी होती है कली। तो देखो भाई कौन सी बॉक्स बर्ड की ओर है, ये रहा ये है बर्ड B-U-T बर्ड। अभी मुझे लिखने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना ठीक है। फिर ये जो बीच में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोलो तो जरा मुझे, ये जो फ्रूट है ये इसके ये क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बीच में सीड्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर दिए है सीड्स, तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है सीड्स है। सीड्स ओके। फिर उसके बाद ये है फ्रूट, फ्रूट ओके। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रूट, वही हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये जो है इसे कहते हैं रूट्स, रूट यानी जड़ मूल के। देखो यहाँ पर दिया है रूट, फिर उसके बाद दिया है ये जो है ना इसे कहते हैं स्टेम, ओके तो ये है स्टेम। फिर ये देखो एरो कहाँ पर है, लीफ LEAF लीफ यानि पत्ता। और फिर उसके बाद ये जो है ये है फ्लावर FLOWER फ्लावर। अभी देखते हैं हम लोग सब हम लोगों ने नाम लिख दिए हैं या नहीं। ओके चलो
अभी स्टार्टिंग करते हैं. बर्ड हो गया, ये रहा बर्ड. लीफ, ये है लीफ. फ्लावर यानी फूल, ये रहा. फ्रूट यानी फल, ये रहा. स्टेम यानी ये जो खोड़ बोलता तेला मराठी, स्टेम हो गया. फिर रूट यानी मूल हो गया. सीड यानी बीज हो गया. तो इस तरह से सारे नाम्स हम लोगों ने लिख दिए हैं और ये है फ्रूट्स. ओके, देखो जितने भी नाम थे वो सब हम लोगों के लिख कर हो गए हैं. लेकिन आप लोगों को अगर एग्जाम में इन लोगों ने बॉक्स नहीं दिया होगा तो आप लोगों को बॉक्स बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को मिलेंगे मार्क्स. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे इन्होंने हमें क्या पूछा है. बी, द वर्ड सीड वी नीड हैव टू ई लेटर्स इन द मिडल. अभी देखो भाई, ये जो सीड है इसमें दो ई आया है बीच में, वीड में भी दो ई आया है बीच में, नीड में भी दो ई आया है बीच में, है क्या नहीं. फाइंड आउट सम मोर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैव टू ईज इन मिडल. तो आप लोगों को और कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें मिडल में टू ई आने चाहिए, ठीक है. तो हम लोग बनाते हैं. अभी देखो, अभी यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को लिख कर दिया है सीड, एस ई ई डी, सीड एफ ई ई एल, फील फिर एफ ई ई F E E. तो अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है. अभी देखो उन लोगों ने एग्जाम्पल में हम लोग को क्या दिया है, S E E D सीड दिया है. तो स्टार्ट हम लोगों ने ब्लू लाइन से किया, ब्लू अल्फाबेट से किया. यहां पर देखो सारे ब्लू है अल्फाबेट, ठीक है. तो E कॉमन है इसमें, और हम लोगों को एंड में ये अल्फाबेट्स यूज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं. ओके, तो अभी जैसे लोगों ने दिया एस ई ई डी सीड, एफ ई ई टी फीट भी आता है, एफ ई ई एल फील दिया है इन लोगों ने, एफ ई ई टी फीट भी आता है, एफ ई ई टी फीट, फिर जे ई ई पी जीप, जे ई ई पी जीप, फाइव के ई ई पी कीप, के ई ई पी कीप. ओके, फिर और क्या बनेगा वर्ड, पी ई ई, पी ई ई एल पील. तो देखो मैंने समय बचाने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी लिख दिया है. यहां पर देखो जे ई ई पी जी पी, इसे ही जाते हैं हम लोग, एस ई ई डी सीड, एफ ई ई एल फील, F E E T feet, J E E P jeep, K E E P keep, S E E P sheep, and P E E L peel, W E E D weed, W E E K week, W E E P weep, F E E D feed, और F E E N seen seen. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये वर्ड्स बनाने हैं. तो अभी लग रहा है ना आप लोगों को इजी. भाई पता है मुझे, समझ में आने के बाद तो सब इजी लगता है, जब समझ में नहीं आता है तो पता नहीं क्या दे दिया है लिखने के लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे हो जाता है. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है अब.
और है क्या भाई पीछे कुछ बाकी। ओके तो इस तरह से हो गया है हम लोगों का ये लेसन कम्प्लीट। तो चलो भाई लग जाओ आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो दोस्तों को रिलेटिव्स को भी बताइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके यस, तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में। सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, गोल में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके फिर देखो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।